एक बाबा अकाल दूजा रबाबे मर्दा सब नूं अहसास होया। सो असलीयत नालों कोहां दूर सी सब कुछ। हजूर कहिंदे देखो सुनो तुसी दाने हो परदाने हो सियाने हो तुहाडा किन्ना बड़ा वड्डा नाम है मोहतवर लोक हो तुसी। पातशाह जी कहिंदे धरती एक कर्म भूमि है सब लई। इत्थे हर एक प्राणी कुछ समय की बोलत लैके परमात्मा की रजा विच आउंदा है यात्रु दे रूप च। इत्थे विचरदा कर्म करन लई आउंदे आ। निश्चित समा पूरा हो जाता सब नूं रवाना होना पैंदा। यह सब वाहिगुरु जी का हुक्म है। यह किसी व्यक्ति विशेष की अपनी बनाई हुई मर्यादा नहीं है। इस झूठे दिखावे नूं करन दी लोड़ की है? ये प्रगटावा दिखावा किस लिए हो रहा? इन्हां दिखावे वाले कर्मों में है भी कुछ नहीं तो ना ही कोई प्राप्ति होने वाली। क्योंकि आपां सब ने बारो बारी वापस जाना ही जाना है। निश्चित है मात लोग किसी लई भी स्थिर जगह नहीं है। ना कोई इत्थे रह सकता ना कोई रहना किसी ने। सब दे सब सतगुरु पातशाह जी दे इन्हां पावन बचनां सुन के जिथे हक्के वक्के भी रहे हो उत्थे सच तो जाणू भी हो। सतगुरां दा कोटान कोट वार उन्होंने धन्नवाद किया। पातशाह आप जी हो अंतरजामी। आप जी की अंतरजामता का सानू भावें ज्ञान किसी नूं कोई नहीं पर यह निश्चा असीं जरूर कहांगे कि आप जी वर्गा मान रैबर आप जी वर्गा महान सतगुरु शायद ही कोई दुनिया के तखत होवे। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इवें मैंने बड़े निम्रता और प्यार सहित सारे ने सतगुरों का धन्यवाद किया। जगत गुरु बाबा जी दे पावन जीवन की यात्रा के दौरान जिथे भी किते जाते हैं सतगुरों का कई बारी की अक्सर सिद्धा पुरशां नाल नाथा जोगियों नाल जरूर किते ना किते ने विचार विमर्श हुंदा सी। जदों सुमेर पर्वत कलाश दी इस इलाके दी यात्रा विच सतगुरु गए तां उत्थे सन्यासी वी महाराज जी नूं मिले। एक लिपू लेप दरे वल्लों जदों सतगुरु इत्थे गए ने तां इत्थे एक झील है मानसरोवर जिहदा बड़ा सत्कारत नाम है दुनिया च। टकला कोट नगर है उधर इस इलाके च। कुछ दिनों का पड़ा करके सतगुरु इत्थे पहुँचे। सतगुरां दी जुगती सतगुरां दे ढंग बादलील विचारां तो सारे प्रभावित होए। सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस इलाके दे जिहड़े बहुते बोधी मत नाल संबंधित सन वो गुरदेव जी दे नज़दीक होए। वो समझते सन भी किमें सुमेर पर्वत किमें ऋषि मुनिया की तपस्यादक किमें गुफावां विच किमें उन्हां नाल मेल होया अते जिहड़े गोरख मत दे पैरोकार सन वो किमें वो सारे संसार नाल तोड़ विछोड़ा करके योग साधना राहीं संसारक लोकां नूं अपना लोहा मनवा रहे सी। ये सब कुछ वेख के सतगुरु पातशाह जी हैरान भी होए ते पुछया भी तुसी इत्थे केड़ी शक्ति द्वारा पहुँचे हो। उन्होंने पुछने सी भी तुसी केड़ी शक्ति नाल इत्थे हो क्योंकि इस दुर्गम एक कठिन रस्ते ते आम सधारण व्यक्ति नहीं पहुँच सकता जिवें गुरु बाबा जी उत्थे पहुँचे सन। आम व्यक्ति दे इन्ने कठिन मार्ग नूं संभव नहीं सी कि उत्थे तय करके पहुँचे। हजूर कहिंदे साढ़े कोल केवल एक काल पुरख वाहिगुरु जी दे नाम दा ही एक मात्र सारा है होर कोई साधन नहीं है ते ना ही असी किसे होर साधन ते विश्वास करदे। इस गल नूं सुन के भावें सारे जोगी बखला भी उठे घबराए भी उन्होंने वध घट शब्द भी कहे ते सोचिया भी इन्नी छोटी जी उम्र च
ਇਹ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸਾਹਸ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਤਰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਲੋਹਾਰੀਪਾ, ਚਰਪਟ, ਭੰਗਰਨਾਥ, ਸੰਧਰ ਨਾਥ, ਗੋਪੀਨਾਥ, ਹਨੀਫੇ ਆਦਿ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਥਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਣ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਰਣ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੇ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਖੁਦ ਤਾਂ ਐਸੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ, ਪਰ ਪਰਜਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਪਰਜਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਜਾ ਦੀ ਹਾਲੋਂ ਬਿਆਲ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹਾਂ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਿੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਿਸਾਣੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਓ, ਜੇ ਅਸਲ ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਓ, ਇਹ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਪਾਵਣ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨ ਕਾਰਜ
करन लई वाहिगुरू जी ने सानू कल्या संसार ते अते होर भी अनेक अनेक प्रश्न करदे करदे सिद्ध नाथ जोगी जो कुछ नहीं भी पुछण वाला सी वह भी सतगुरु बाबा जी नू पुछदे ते जदों हार गए थक गए हंभ गए कोई भी सही पातशाह जी दे उत्ते उन्होंने ना प्रश्न ते ना सतगुरां नू निरंतर किया अनेक तरह के प्रश्न आप ही करते हैं सतगुरु पातशाह जी अगे सतगुरु उन्होंने ऐसा लाजवाब कर देंगे मुड़ के वह फिर परेशान होंगे इं जाणो भी वह खिज के दुखी होकर परेशान होकर सतगुरों नाल कुछ गलत रस्ता भी अख्तियार करन दी सोचते हैं महाराज जी का अपमान करन वाला रहा पर सतगुरु जी की निम्रता सतगुरु आप नारायण कलाधार जग में परवरियो वाले पावन बचन अनुसार इन्नी महान हस्ती शक्ति वाहिगुरू जी ने किस रूप विच जगत गुरु बाबा जी ने संसार ते कल्या सा संगत वो शायद नाथ जोगी पहला तो समझ ना सके पर जदों हजूर जी दे सन्मुख निरंतर होते रहे फिर उन्होंने योजना बनाई भई वाह वाह देर हो गई अपन बचन करद्या हुण भोजन खाधा जाए जाओ आ करमंडल लै जाओ सामने तलाब विचों पानी भर के लैके आओ सतगुरु गए उत्थे पानी नहीं सी रतन हीरे मोती आदि सन खाली मुड़ आए कहना सी भी उत्थे पानी नहीं है जेड़े रतन हीरे मेरे किसे काम नहीं असी उन्हां तों की लैणा गुरु बाबा जी ने जदों इवें दे बचन कहे सारा हंकार चूर चूर हो गया ना सिद्ध पुरशां दा हजूर जी दे इवें बचना तो उन्हां नूं इन्नी क हैरानी होई एक गृहस्थी गुरु होके जगत विच विचरदा होया इवें दी माया तो निरलेप रहण वाला किन्ना क महान हो सकता है फिर सारी जोगी आपो अपनी मत दी श्रेष्ठता दा दसदे रहे पर हजूर महाराज जी ने अपनी मुबारक रसना तो सच जानकर काल गवाया सुरत शब्द स्यो त्यागी माया इवें दे जन्म साखी दे प्रमाणा द्वारा सच्चे काल पुरख वाहिगुरु जी की आराधना करके मौत दे डर वल्लों असी जिउंदे जी सुते ही मुक्ति प्राप्त कीती है सुरत नूं शब्द दे नाल लीन कीता है माया ते फतेह पाई है मन दे दृढ़ संकल्प वल्लों वकारां उत्ते फतेह पा के जगत विच वाहिगुरु जी की कृपा नाल विचरे पर ये सब कुछ उस प्रभु की कृपा दृष्टि नाल ही संभव होया पातशाह जी दे बोल सन ये सुन के सब जोगी अपना हठ धर्म त्याग के जिहड़ी उह जिद हिंड कर रहे सन उन्होंने हार स्वीकार कीती ते कहा नानक जी तुहाडा रस्ता सारे मनुखा जूनी दे कल्याण लई हितकारी है सतगुरु नानक साहब महाराज इवें दे धार्मिक लोकां नूं इक काल पुरख वाहिगुरु जी दे सच दे मार्ग ते तोरन लई अपना नविकला वक्खरा ही महान परपकारी कार्ज करके उन्हां नूं भी दृढ़ता करवाई कि तुसीं भी सच दे पुजारी बनो सच्चे वाहिगुरु जी दे नाम नाल जुड़ो ये पातशाह जी की बहुत वड्डी बख्शिश है सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने 550 साल पहला इस संसार ते अवतार धार के समुची मानवता समुची लुकाई सब लोगों नूं एक परमात्मा की अंश जान के एक परमात्मा का रूप जान के एक परमात्मा दे साजे नवाजे जान के सर्व सांझा उपदेश बख्शिया सरबत दे भले लई सतगुरां दा संसार ते प्रकाश होया सरबत दे भले लई सतगुरु चार उदासियां करके जगत दे कल्याण हित हर थां ते गए हर तरह दे व्यक्ति नूं मिले गुरु पातशाह जी दे ये पावन अवतार धारण की खुशी विच 550 साल प्रकाश गुरपुरब दी खुशी विच आप सारिया संगतां ने जिते सतगुरां दे पावन जीवन नाल संबंधित
तुच्छ मत बुद्ध अनुसार बहुत ही संखेप विच गुरु कृपा सदके सतगुरों के पावन जीवन की अमर कथा नूं विचारां द्वारा आप समूह गुरु नानक नाम लेवा समुचे संसार दे मनुखता दे सांझीवालता दे इहो जे सच्चे सुचे मार्ग दे चलन वालियां लई ये एक सहयोगी साधन बने ऐसी भावना नाल आप जी तक दसां वल्लों एक सार्थक उद्यम गुरु कृपा द्वारा होया है। फिर भी ये समुची सेवा निभाउंदिआं होई भुल चुक दी खिमा बख्शना जी बहुत बहुत आप समूह संगतां दा धन्नवाद। फिर आप जी नूं 550 साल प्रकाश गुरपुरब की लख लख वधाई होवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहेगुरू 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 सतनाम वाहेगुरू। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। एक बाबा अकाल रूप दो जार बाबी मरे दाना। एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा।